नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चार चैनल पे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपन एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। आज अपन ये भी जानेंगे एक अच्छे पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए। जिस पोर्टफोलियो का अपन रिव्यू करेंगे वो हमारा खुद का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। किस प्रकार इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो 500 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, उससे क्या होने वाला है, ये जो आज आप 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे ना, आज से 10 साल 15 साल बाद जब एक अच्छी सी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, इस 500 रुपये की भी कोई वैल्यू होती है। आप समझ सकते हो, आज से एग्जैक्ट 10 साल पीछे जाओ, उस समय 10 रुपये की क्या वैल्यू थी और आज 10 रुपये की क्या वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फर्क इस बात का पड़ता है कि आप किस प्रकार इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है। ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में ही चलता रहता है। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट के प्रति अट्रैक्शन काफ़ी कम हो जाता है और ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट टारगेट यही रहता है कि नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सके और उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ग्रो एप्लीकेशन पे SIP के द्वारा ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी कभार लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे योर इन्वेस्टमेंट टोटल रिटर्न 366,000 के लगभग है। करंट जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 11 लाख के लगभग। इन्वेस्टेड वैल्यू 7,34,000 के लगभग है। टोटल रिटर्न 366,000 के लगभग है। परसेंटेज में अगर काउंट करोगे 49.91% के लगभग है। पोर्टफोलियो का जो एनुअल रिटर्न है वो है 18.45%। अभी आप सोच रहे होंगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कितने फंड है। इन्वेस्टमेंट 11, ये जो 11 फंड शो कर रहा है, ये जब से हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक जितने फंड में इन्वेस्ट किया है वो सब फंड शो हो रहे हैं। टोटल 11 फंड में से हम 3 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसके अंदर हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर SIP कर रहे हैं। एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसके अंदर हम आउटसाइड ग्रो एप्लीकेशन SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो हमने अपनी बच्ची के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, इसलिए वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, उसको स्टॉप नहीं किया। हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में SBI स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ और SBI फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसके अंदर हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। SBI स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके अंदर 256,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी टोटल वैल्यू 426,000 के लगभग है। रिटर्न टोटल 169,000 के लगभग है। SBI फ्लेक्सी के फंड के अंदर 171,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी टोटल वैल्यू 235,000 के आसपास है। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,954 के लगभग है और ये नेगेटिव में 2% रिटर्न दे रहा है। नेक्स्ट जो फंड है PGIM इंडिया स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमने 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसकी वैल्यू 5,673 के लगभग है और इसके अंदर भी SIP चल रही है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है केंद्रा रुबेको स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड के अंदर हमने 15,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी वैल्यू 14,484 के लगभग है, ये भी नेगेटिव 3% के लगभग रिटर्न दे रहा है। अभी जो आपको स्क्रीन पे केंद्रा रुबेको स्मॉल के फंड 200 हो रहे हैं, दोनों के फोलियो नंबर अलग अलग है इसलिए आपको 200 हो रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो के नीचे ग्रो ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक दी हुई है उस पर जाके आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है निपन इंडिया टैक्स सेवर, म्यूचुअल फंड के अंदर 21,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी वैल्यू 31,000 के लगभग है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है मीरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये लार्ज कैप कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर 41,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी वैल्यू 43,000 के लगभग है।
इसके बाद नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी कंटिन्यू SIP की थी, इस वजह से इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1,45,000 के लगभग पैसा इन्वेस्टेड है और उसकी वैल्यू 2,50,000 के लगभग है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है डीपन इंडिया स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 41,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसके प्रेजेंट टाइम में वैल्यू 59,000 के लगभग है। डीपन इंडिया स्मॉल के म्यूचुअल फंड के अंदर हम बच्ची के नाम पे 2 SIP करते हैं 500-500 रुपए की। एक SIP महीने की 14 तारीख को और दूसरी SIP महीने की 28 तारीख को करते हैं और ये SIP हमने जब से स्टार्ट किए कभी भी चेंज नहीं किया, कंटिन्यू चल रही है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है क्यूआंट स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 28,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी वैल्यू 27,600 के लगभग है। अभी आप सोच रहे होंगे आपके पोर्टफोलियो के अंदर तो काफ़ी फंड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एट ए टाइम में 3 से 4 फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ और जिस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया उससे वापस पैसा रिडीम बहुत कम करता हूँ, इसलिए हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर 11 फंड शो हो रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक्सिस मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसके अंदर हमने एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन एक फंड काउंट हो गया, इसके बाद हमने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये हमारी मंथली SIP है, टोटल महीने के अंदर 12,000 रुपये की SIP करते हैं, मंथली SIP अमाउंट 12,000 रुपये के लगभग। और कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर कितना कितना कब कब करते हैं, PGIM इंडिया स्मॉल के फंड डायरेक्ट प्योर। नेक्स्ट जो SIP डेट है 17 अप्रैल 2023, इसके अंदर हम 2,000 रुपये की एक SIP करते हैं। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है केनरा रूबेको स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड के अंदर हम महीने के अंदर 4,000 रुपये की SIP करते हैं, एक SIP महीने की 16 तारीख को 2,000 रुपये की, दूसरी SIP महीने की 6 तारीख को 2,000 रुपये की करते हैं। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है क्यूआंट स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड के अंदर हम 6,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं, पहली SIP महीने की 11 तारीख को 3,000 रुपये की और दूसरी SIP महीने की 27 तारीख को 3,000 रुपये की करते हैं। इस प्रकार टोटल 12,000 रुपये की मंथली SIP ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा कर रहे हैं और 1,000 रुपये की SIP निपन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आउटसाइड ग्रो भी कर रहे हैं, वो बच्ची के नाम से कंटिन्यू चल रहा है इसलिए उसको स्टॉप नहीं किया। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अलग अलग SIP डेट करने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग अलग SIP डेट करने से आपकी जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगी, इसके साथ साथ मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसका भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1,000 रुपये की 2 SIP करनी चाहिए, 4 कर रहे हो तो 2,000 की 2 कर दो। अलग अलग SIP करने से आपकी नेव का जो एवरेज है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।